हे एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल शेयर अबाउट माय IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैं आपको डिटेल वे में बताऊंगी कैसे क्या हुआ था। फिर मुझे जो पैनल मिला था, मैं वहाँ पे जब मेरा नंबर आया, मैंने डोर नॉक किया और उनसे पूछा, मैं कमेंट सर, और उन्होंने अलाउ किया। देन आई एंटर्ड एंड देन मैंने उनको विश किया गुड मॉर्निंग एंड आई आस्क मे आई सिट। उसके बाद उन्होंने जब बोला बैठने के लिए, मैं बैठ गई। उसके बाद फिर इंटरव्यू फाइनली शुरू होता है। इंटरव्यू हिंदी में शुरू होता क्योंकि उन्होंने मुझे हिंदी में क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो मुझसे, तो मैंने भी हिंदी में ही रिप्लाई किया था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने उनको अपने बारे में बताया अबाउट कि मैं कहाँ से हूँ, अबाउट माय एजुकेशन, अबाउट माय हॉबी, अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। और फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप फैमिली के बारे में कुछ बताने के लिए, मतलब नॉर्मल एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन टाइप उन्होंने पूछा अबाउट माय सिबलिंग एंड अबाउट माय फादर, दैट फादर क्या करते हैं और एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। देन आई आंसर्ड SBI एंड यूको बैंक में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ब्रांच विज़िट करते हो। आई सेड येस। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है कि ब्रांच में क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, जिसके वजह से और इफ़ेक्टिवली काम होगा। तो मैंने उनको बोला था कि जस्ट बिकॉज़ लाइन लंबी हो जाती है, तो कुछ कुछ चीज़ें सेल्फ सर्विस भी हम रख सकते हैं, लाइक पासबुक एंड ऑल। ज़्यादा मैंने उनको आंसर नहीं किया था इस पॉइंट पे। आई मेंशन्ड 1-2 पॉइंट्स अबाउट दैट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, लाइक आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे अबाउट द सैटेलाइट, अबाउट AC DC, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, अबाउट व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज, अबाउट व्हाट इज़ सर्वर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंट्रानेट एंड इंटरनेट, जो हम लैन के भी बारे में और वैन के भी बारे में, ऐसा पूछा गया था मुझसे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, एज़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप IT में चले जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, IT में ग्रोथ भी है, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस सेक्टर में क्यों आ रहे हो। उसके बाद फिर मैंने आंसर किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कॉलेज के टाइम पे फिर प्लेसमेंट, अबाउट प्लेसमेंट एंड ऑल। मैंने उनको बताया कि मेरा प्लेसमेंट हुआ था, फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन ही आस्क अबाउट दैट कि आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी, वहाँ पे आपको कौन सा प्रोफाइल दिया गया था, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, आपका पैकेज भी क्या था, ये भी मुझसे पूछा गया था। देन ये सारे कॉन्वर्सेशन के बाद वो उन्होंने मुझसे अपनी मेरी हॉबी के बारे में पूछा, अबाउट माई हॉबी की आपकी हॉबी क्या है। और मैंने बुक रीडिंग डाला था, तो उन्होंने बोला कि आपने कौन सी रिसेंटली बुक रीड की है और उसको ब्रीफली बताने के लिए समरी उसकी। मेरा जो नंबर था उसके जस्ट पहले जिसका नंबर था, जिस कैंडिडेट का नंबर था, उसने अपनी हॉबी में सिंगिंग लिखी हुई थी। तो सिंगिंग लिखा नहीं था एक्चुअली, मतलब उन्होंने उसने बताया था कि सिंगिंग उसकी हॉबी है, तो उसको बोला था गाना गाने के लिए। तो आई एम जस्ट टेलिंग दिस कि इफ़ समबडी हैज़ सिंगिंग एज अ हॉबी, तो आप ऐसा सोच के रखो कि हो सकता है वो आपको बोल भी दे कि गाना गाओ। मेरे जस्ट पहले वाले जो कैंडिडेट था उसको बोला गया था गाना गाने के लिए। फिर उन्होंने मुझसे हॉबी के बारे में पूछा, उसके बाद कुछ बेसिक करेंट अफेयर्स के बारे में, जो न्यूज़ चल रहा है। उन्होंने बोला कि आज की न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, जो टॉप हेडलाइंस है वो आप बताइए, और अबाउट माई सिटी, वॉट इज़ द फेमस थिंग अबाउट योर सिटी, वो मुझसे पूछा गया था। उसके बाद फिर बस इतना ही था नॉर्मल। फिर एक दो क्वेश्चंस और पूछे गए थे मुझसे अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, अबाउट RBI एक्ट एंड अबाउट व्हाट इज़ NBFC एंड कुछ एक दो क्वेश्चन आई एम जस्ट मिसिंग। हाँ, हाउ टू आप फेक नोट कैसे, मुझसे ये भी पूछा गया था कि आप फेक नोट कैसे पकड़ सकते हो, आप बताओ। लेट सपोज़ आपको आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको फेक नोट मिल गया, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि फेक नोट है। तो ये अच्छे से कर लेना आप, कि आप कैसे समझ पाओगे कि ये फेक नोट है, ये मुझसे पूछा गया था। और भी मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे बैंकिंग अवेयरनेस के से रिलेटेड।
आई एम जस्ट मिसिंग दैट. तो ये बैंकिंग, कुछ बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड अबाउट सम प्रैक्टिकल लाइक, हाँ अबाउट, जैसे अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन करना है, अगर एक कोई कस्टमर आया आपके पास और उसने बोला ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप किस किस मोड ऑफ पेमेंट से उस कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हो बैलेंस से. ये कुछ प्रैक्टिकल्स मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, अबाउट द फेक नोट, अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, अबाउट किसमें जो है आप कितने, अबाउट व्हाट अमाउंट आपके चार्जेस नहीं लगेंगे पेमेंट करने का, ठीक है. चेक जो है आप, चेक 3 मंथ्स के बाद दिया गया है, तो क्या आप पेमेंट करोगे. और 3 मंथ्स के बाद जैसे अगर चेक आपने दिया और उसके बाद वो अगर नहीं आप पेमेंट करोगे तो उसको टर्म को क्या बोलते हैं, ये भी मुझसे पूछा गया था. अबाउट व्हाट इज सोइल्ड नोट्स, ये भी पूछे गए थे. एंड यस दैट इज़ ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. आप अच्छे से जाना. इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक टॉफ़ी दी थी एंड बोला था ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसा उन्होंने बोला. एंड देन आई सेड थैंक यू एंड फिर मैं आ गई थी अपने रूम के बाहर. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो बी काम इन दैट सिचुएशन. ज़्यादा फंबल मत करना, नर्वस मत होना कि आपको नहीं आ रहा है. इट्स ओके, उनको बोल देना कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाद में जाके घर पे देख लूँगी. जैसे मुझसे कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने मुझसे, वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा और बोलते ये नहीं आता, तो एंड वाज लाइक सॉरी सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ अभी. तो ऐसा करके उसके बाद एक जो पैनल मेम्बर थे वो कुछ क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, ही वॉज सिंपली ऑब्जर्विंग अबाउट, आई थिंक ही वॉज ऑब्जर्विंग द वे यू आर आंसरिंग क्वेश्चन, द वे हाउ यू आर बिहेविंग. जब आपको आंसर नहीं आ रहा है, ये आपके बॉडी जेस्चर पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज ऐसे करके, तो ये सब था. आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है, जो भी आए आराम से आंसर करना, जो नहीं आए वो बोल देना सॉरी सर नहीं आ रहा है अभी, ठीक है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर.